अथर्ववेद वर्चस्व प्राप्ति सुक्तः। यह सुक्त वर्चस्व गण का प्रथम सुक्त है। वर्चस्व गण के सुक्तों में तेज संवर्धन, बल संवर्धन, धन की प्राप्ति, शरीर की पुष्टि, समाज या राष्ट्र में सम्मान प्राप्ति आदि अनेक विषय होते हैं। वर्चस्व गण में कई सुक्त हैं, उनका निर्देश आगे उसी स्थान पर किया जाएगा। इस सुक्त का भावार्थ देखने के पूर्व सुक्त की कई बातों का स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता है, अन्यथा सुक्त का भावार्थ समझने में ही नहीं आवेगा। सबसे प्रथम सुक्त में वर्णित देवताओं का मनुष्यों से क्या संबंध है, इसका ठीक ठीक ज्ञान होना आवश्यक है, इसीलिए उसका विचार सबसे प्रथम करेंगे। देवताओं का संबंध जो ब्रह्मांड में है वह पिंड में है, तथा जो पिंड में है वह ब्रह्मांड में है, अर्थात जो विश्व में है उसका सब सत्व एक व्यक्ति में है, और जो व्यक्ति में है उसका विस्तार सब विश्व में है। इसका विशेष ज्ञान निम्नलिखित कोष्ठक से हो सकता है। व्यक्ति में देवतांश, समाज में देवता, विश्व में देवता। निवासक शक्तियां, समाज स्थिति का आठ शक्तियां, वसवह अष्ठ। स्थूल शरीर मात्र भूमि पृथ्वी, रक्तादि धातु जल नदी नद आदि आप। शरीर का तेज अग्नि विद्युत आदि तेज ज्योति ही। प्राण शुद्ध वायु वायु। कान स्थान आकाश। अन्नपान औषधि वनस्पति धान्य आदि सोमह। प्रकाश प्रकाश अह। इंद्रिय गण साधारण जनता नक्षत्राणि देवह। ज्ञान ब्राह्मण ज्ञानी मनुष्य ब्राह्मण। छात्र तेज क्षत्रिय वीर इंद्रह। पुष्टि राष्ट्र पोषक अधिकारी पूषा। शांत भाव जलाधिकारी वरुणः। मित्र भाव मित्र जन मित्रः। वाणी ज्ञानी उपदेशक अग्निः। स्वातंत्र्य स्वतंत्र विचार के लोग आदित्यः। नेत्र दर्शन शक्ति दार्शनिक विद्वान सूर्यः। सब दिव्य गुण सब विद्वान कारीगर विश्वे देवः। तेज धन हिरण्यम। दुष्ट विचार शत्रु सपत्नः। आनंद स्वाधीनता नाक स्वर्ग। तेजी स्वाधीनता उत्तम ज्योतिः। सुख स्वाधीनता मध्यम ज्योतिः। अधम ज्योतिः। ब्रह्मचर्य पुस्तक में अंशावतार का वैदिक भाव वर्णन किया है, वह इस समय अवश्य पढ़ें। स्वाध्याय मंडल द्वारा प्रकाशित इष्ट कोष्टक से पाठकों को पता लग जाएगा कि सूत्रोक्त देवता शरीर में किस रूप में है, राष्ट्र में किस रूप में है, और जगत में किस रूप में है। सूर्य देव जगत में कहाँ है यह सब जानते हैं, वही अंश रूप से शरीर में है, जिनको नेत्र या दर्शन शक्ति कहते हैं। राष्ट्र में भी जो पुरुष विशेष विचार से राष्ट्र की अवस्था का विचार करते हैं वे दार्शनिक पुरुष राष्ट्र के सूर्य हैं, क्योंकि उनके दर्शाए मार्ग से जाता हुआ राष्ट्र उत्तम अवस्था में पहुंच सकता है। इसी कारण अन्य नए देवताओं के विषय में देखना योग्य है। इस सूक्त में प्रारंभ में ही अस्मित पद है, इसका अर्थ है इस मनुष्य में ऐसा है। प्रश्न होता है कि किस मनुष्य के उद्देश्य से यह शब्द यहाँ आया है। पूर्व सूक्त के साथ इस सूक्त का संबंध देखने से स्पष्टता पूर्वक पता लगता है कि इस शब्द का संबंध पूर्व सूक्त में वर्णित नव प्रविष्ट शुद्ध हुए मनुष्य के साथ ही है। जो मनुष्य मन की वृत्ति बदलने के कारण अपने धर्म में प्रविष्ट हुआ है, उसकी सबसे अधिक उन्नति करने की इच्छा करना प्रत्येक मनुष्य का आवश्यक कर्तव्य ही है। अपने धर्म में जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ प्राप्तव्य है वह उसको शीघ्र प्राप्त हो, इस विषय की इच्छा मन में धारण करनी चाहिए, अर्थात उसको विशेष तेज प्राप्त हो ऐसी इच्छा धरनी चाहिए। यद्यपि इस सुक्त का पूर्वापर संबंध देखने से यह सुक्त नव प्रविष्ट की तेज वृद्धि के लिए है ऐसा प्रतीत होता है, तथापि हर एक मनुष्य की तेज वृद्धि के सामान्य निर्देश भी इसमें हैं, और इस दृष्टि से यह सामान्य सुक्त सब मनुष्यों के उपयोगी भी है। पाठक इसका दोनों प्रकार से विचार करें।
अब यहाँ पूर्वोक्त मंत्रों का भावार्थ दिया जाता है और वह भावार्थ देने के समय व्यक्तियों में जो देवतांश है उनको लेकर ही दिया जाता है। पाठक इसके तुलना पूर्वोक्त कोष्ठक से करें। उन्नति का मूल मंत्र प्रथम मंत्र इस मनुष्य में जो निवासक शक्तियां हैं तथा छात्र बल पुष्टि शांति मित्रता तथा वाणी आदि की शक्तियां हैं ये सब शक्तियां इसमें धान्यता स्थापित करें। इसके स्वतंत्र विचार और इसकी सब इंद्रियां इसको उत्तम तेज में धारण करें। मनुष्यों में अथवा जगत के हर एक पदार्थ में कुछ निवासक वसु शक्तियां हैं जिनके कारण वह पदार्थ या प्राणी अपनी अवस्था में रहती हैं। जिस समय निवासक वसु शक्तियां बढ़ती रहती हैं उस समय पोषण होता है और घटती रहती हैं उस समय क्षीणता होती है तथा निवासक शक्तियों के नाश होने पर मृत्यु निश्चित है। इसी प्रकार अन्य अन्य शक्तियों के बढ़ने घटने से वे गुण बढ़ते या घटते हैं। मनुष्य में वसु शक्तियां 8 हैं और अन्य देवताओं से प्राप्त अन्य शक्तियां भी हैं। इन शक्तियों के विकसित रूप में प्रकाशित होने से ही मनुष्य वसु अर्थात धन प्राप्त करता है और अपने आप को धन्य कर सकता है। सारांश रूप से उन्नति का यही मूल मंत्र है, अपनी निवासक वसु शक्तियों का विकास करना तथा दूसरा अपने अंदर छात्र तेज की वृद्धि करना, तीसरा अपनी पुष्टि करना, चौथा अपने अंदर समता और शांति रखना, पांचवा मन में मित्र भाव बढ़ाना और हिंसक भाव कम करना तथा छठा वाणी की शक्ति विकसित करना। इन 6 शक्तियों के बढ़ जाने से मनुष्य हर एक प्रकार का धन प्राप्त कर सकता है और उससे अपने आप को धन्य बना सकता है। यहाँ का वसु शब्द धनवाचक है, परंतु यह धन केवल पैसा ही नहीं परंतु यह वह धन है कि जिससे मनुष्य अपने आप को श्रेष्ठ पुरुषों में धन्य मान सकता है। इस वसु में सब निवासक शक्तियों के विकास से प्राप्त होने वाली धन्यता आ जाती है। पहली निवासक शक्ति, दूसरी छात्र तेज, तीसरी पुष्टि, चौथी समता, पांचवी मित्र भाव, छठी वक्रतत्व, इन 6 गुणों की वृद्धि करने की सूचना इस प्रकार प्रथम मंत्र के प्रथमार्ध में दी है और दूसरे अर्ध में कहा है कि सातवीं इसके स्वतंत्र विचार और आठवीं इसके इंद्रिय शक्तियां, इनको उत्तम उत्तम तेजस्वी स्थान में पहुंचाएं। मनुष्य के स्वतंत्र विचार ही मनुष्य को उठाते या गिराते हैं।